डॉक्टर रवि मलिक, बीच में एक ऐसा समय भी देखा कुछ 4 या 5 महीनों का, हम अगर ये माने कि अब हम बाहर हैं, लेकिन तब भी पूरा देश ऑलमोस्ट बाहर निकल गया था। उसमें दिवाली चली गई, उसमें न्यू ईयर चला गया, उसमें क्रिसमस चला गया, लोगों की छुट्टियां बन गई, बहुत कुछ हो गया। तो क्या उस समय ये वायरस सुप्त अवस्था में चला गया था? मतलब मैं उस चीज को भी समझना चाहूंगा कि तब क्या हो रहा था, क्योंकि लोग तो तब भी बाहर थे ही। देखिए, जो पेंडेमिक का अगर हम हिस्ट्री देखें तो शुरुआत से 6वीं सदी से जो पेंडेमिक चल रहे हैं उनके अंदर जो है पेंडेमिक लहरों में आता है, स्टेजेस में आता जाता है। अगर पिछले स्पेनिश फ्लू की बात करें तो 4 स्टेजेस में आया था, 4 वेव्स में आया था। पहला वेव चला गया, लोग एकदम सुख शांति में आ गए कि अब शायद नहीं आएगा। फिर दूसरा वेव आया, तीसरा आया, चौथा आया। तो पेंडेमिक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है कि ये स्टेजेस के अंदर आता है, खासकर कि अगर लोग प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं करनी कम कर दें। अब आप देखिए कि अब पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफी कॉन्फिडेंट हो गए हैं जब से वैक्सीन आई है, जबकि वैक्सीन ने हमारे को इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी। अभी तक अगर देखा जाए केवल 1 करोड़ व्यक्तियों को जो है 2 डोज लगी हैं, 138 करोड़ में से ठीक है हमने 8 करोड़ वैक्सीन दे दी है, 7 करोड़ को फर्स्ट डोज दिया है, लेकिन पूरा कोर्स अभी तक केवल 1 करोड़ लोगों को हुआ है। लेकिन लोग इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वैक्सीन के आने के बाद में कि शायद अभी हमारे को कुछ नहीं हो सकता। मैं ये बताना चाहूंगा, जब तक हम 70% हर्ड इम्यूनिटी ना बढ़ा दें, यानी 100 करोड़ लोगों को जब तक वैक्सीन ना लगा दें, क्योंकि वैक्सीन की प्रोटेक्टिविटी भी 70% अगर सारे नंबर्स को कैलकुलेट करें तो 100-110 करोड़ लोगों को हमें वैक्सीन लगानी पड़ेगी, जिससे कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी 60-70% आएगी। तो लोगों को यह समझना बड़ा जरूरी है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और शायद नतीजा कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस और केयरलेसनेस का भी है कि लोगों को ये कोविड की इंफेक्शन होने लग गई। आज के अगर आंकड़े देखें 1,03,000 केस हो चुके हैं, हम वर्ल्ड में नंबर 1 पे आ गए हैं। अमेरिका भी पीछे छूट गया है, ब्राजील भी पीछे छूट गया, हम सबसे ऊपर इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, हमारे इधर मृत्यु भी हुई है, 450 मृत्यु पिछले 24 घंटे में हुई है, एक भी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नाउ वी शुड हैव जीरो टॉलरेंस। और सबसे बड़ी चीज है हमारे बच्चे वल्नरेबल हैं, अभी तक हमारे बच्चों की वैक्सीन नहीं, और आने वाले 4-5 महीने बच्चों की वैक्सीन नहीं आने वाली है, क्योंकि उसका ट्रायल शुरू होगा फिर अप्रूवल होगा। ये हर वैक्सीन में होता यही है, पहले हम एडल्ट्स में ट्रायल करते हैं फिर बच्चों के ऊपर आती है वैक्सीन, तो ठीक है बच्चों में भी नहीं है। तो लोगों को यह समझना बड़ा जरूरी है, आपकी प्रिकॉशन केवल आपके लिए जरूरी नहीं है, आपके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो स्ट्रेन आया है ये भी थोड़ा ज्यादा इंफेक्शियस है, जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि स्ट्रेन कुछ ऐसे भी आ रहे हैं जो कि ज्यादा इंफेक्शियस है, और शायद छोटी उम्र के बच्चों को जो है वो इफेक्ट ज्यादा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज ये जरूर है कि हमारे यहां पे मोर्टेलिटी ज्यादा है, लेकिन हमारे यहां पे जो दूसरी बार इंफेक्शन हो रही है 4.5% है। एक मरीज कोरोना से ठीक हो गया, उसे दोबारा कोरोना हो रहा है, ये 4.5% है, जो कि वर्ल्ड में केवल 1% है। तो मैं समझता हूं अगर हम सावधानियां बरतते हैं और ठीक से चलते हैं तो इस तरह की स्थिति नहीं आएगी, और हम लॉकडाउन में जा भी सकते हैं। लॉकडाउन विकल्प नहीं है, लेकिन यह कंपल्शन हो सकती है। हर घर में कोरोना फैल गया, 1,00,000। जी डॉक्टर रवि मलिक, यहाँ पर एक सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा कि एक तो वो लोग हो गए जो पालन ही नहीं कर रहे, मैं उनको हटाई देता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मास्क भी लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी करने की कोशिश करते हैं और हैंड सैनिटाइजेशन का भी अपना तरीका। लेकिन क्या है, लॉकडाउन था तब तो ठीक था, अब अगर आप बाहर निकल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता अपना ट्रांसपोर्ट, या बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपकी क्लोजनेस वो 2 मीटर के डिस्टेंस से कम हो ही जाती है, 24 घंटे में 1-2 बार आप ऐसी गलती कर ही देते हैं जब मास्क को गलत तरीके से छू लेते हैं या हैंड सैनिटाइज नहीं कर पाते, क्या इतनी गुंजाइश में भी आपको कोरोना हो सकता है? क्योंकि हालात ये हैं कि हॉस्पिटल्स में, जहां तक महाराष्ट्र की बात है, बेड्स अब ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। अब देखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी ये वाली बात है, ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। वायरस बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है, किस हवा के झोंके से हमारे शरीर में चला जाए इसका पता नहीं चलता। तो जितनी ज्यादा प्रिकॉशन ली जाए उतनी ही कम है, हमें मैक्सिमम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। दूसरी चीज मैं बता दूं, लोग इस डिफेंस में बिल्कुल ना रहें कि फटीग हो गए और हम थक गए, हम तो परेशान हो गए, कुछ नहीं है। ये देखिए कि सिर्फ आपको मास्क लगाना है, हैंड हाइजीन करनी है और 2 गज की दूरी बनानी है, इसके अलावा इट इज नॉट, ये कोई बहुत बड़ा आइंस्टीन फॉर्मूला आपको नहीं फॉलो करना अपनी जान बचाने के लिए। तो कहीं पर भी इस तरह का हम डिफेंस नहीं लेंगे कि जी कहीं ना कहीं हम थक गए हैं, अब तो हम थक चुके हैं, ये कर चुके हैं। यहां पर जानों का सवाल है,
इट कैन टेक अ बिग टॉल. वी आर हम बिल्कुल एक ये समझ लो टॉर्नेडो के पास बैठे हो या एक लाख तो होने लग गए और उसके बाद अगर ये 2 लाख 3 लाख हो गए. आप देखिए 2 हफ्ते पहले 23,000 केस थे, आज 4 गुना हो गए और अगर 2 हफ्ते के बाद 4 लाख हो गए तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा. हमारी इकोनॉमी ये ब्लो नहीं कर सकेगी. इतनी बड़ी बड़ी बातों के सामने अगर लोग कहें कि हम थक चुके हैं हम मास्क नहीं लगा सके तो गलत है. मैं तो बल्कि यहां पर यह कहना चाहूंगा जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा रहा जो प्रिकॉशंस नहीं ले रहा उसकी नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए उसकी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए. जो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर से भी किसी की मृत्यु कर देता है तो उसके ऊपर भी तो प्रोसिक्यूशन होती है. डॉक्टर मालिक साहब मेरा कहने जी मेरा कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी भी अगर आप चला रहे हैं मैं देखता हूं कि जो बसेस हैं जो ट्रेनें हैं जो मेट्रो है उसमें जितनी भीड़ हो जाती है ना सर मास्क भी लगा हुआ है सब कुछ है लेकिन वो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म फॉलो हो ही नहीं सकता क्योंकि सुविधाएं कम है और लोग ज्यादा हैं. देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है मैं आपसे एग्री करता हूं लेकिन मैं आपको ये बता दूं इसका एक ही रास्ता है. घर से बाहर निकलने से पहले 3 बार सवाल पूछिए क्या ये काम आज की जो हमारी नई पद्धति है वेब की मीटिंग्स हैं या इंटरनेट के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर क्या ये मीटिंग्स उसके ऊपर हो सकती हैं कि नहीं. क्या मेरा बाहर जाना आवश्यक है कि नहीं. क्या मैं जो बाहर जाके रोज जाके शॉपिंग करके आ रहा हूं क्या इसकी जरूरत है तो 1 महीने का सामान ला के मैं रख दूं और बार बार बाहर ना जाऊं. देखिए ये एक माइंडसेट है जिसको हमें करके चलना पड़ेगा. अगर हम इस माइंडसेट से चलेंगे तो मेरे ख्याल से ट्रेनों में भी बसों में भी थोड़े रश कम होंगे. इवन ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है उनको भी एनकरेज करना चाहिए कि इस वक्त माहौल अगर ऐसा चल रहा है तो जितनी मीटिंग जो है टेलीफोनिकली हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाए वो काफी बेटर है वो सही रहेंगी. दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारा मेन मुद्दा है कि मृत्यु ना हो. उसके लिए मैं आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा क्योंकि मैं कोविड अस्पताल भी चला रहा हूं जहां पे कोविड के मरीज आते हैं और वैक्सीन भी हम लोग दे रहे हैं. मृत्यु आपकी नहीं होगी अगर आप रेगुलरली SpO2 को मॉनिटर करते रहेंगे अपने सिम्टम्स के ऊपर नजर रखेंगे और जैसे ही आपको लगा कि आपकी SpO2 फॉल कर रही है या जरा सी भी बॉर्डरलाइन रेंज में आ रही है आप तुरंत हॉस्पिटल की शरण में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद ये केस बिगड़ता नहीं है. नहीं तो उसके बाद में ये धीरे धीरे करके बिगड़ जाता है और हमें सहयोग चाहिए हर किसी का डॉक्टर्स का नर्सेस का एनजीओस का. ठीक है क्विकली डॉक्टर मलिक जो बच्चों वाला पॉइंट है इस बार बच्चों के लिए कितना हमें घबराने की जरूरत है या कितना ध्यान रखने की जरूरत है. पिछली बार बच्चों पे कोई इंपैक्ट नहीं आया था लेकिन इस बार बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं. देखिए एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं कि अभी भी बच्चों के लिए प्रिकॉशन लेना बहुत आवश्यक है लेकिन ये बीमारी अभी भी बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव है. बहुत ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करती है तो सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहती है. बच्चों को बचा के रखिए. अभी दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. 4 चीजें करनी बड़ी आवश्यकता है. अपने वेट को कंट्रोल में रखिए डाइट प्रॉपर रखिए आप अपनी. किसी भी तरह का बहुत हाई कैलोरिक फूड ना लीजिए. वेट को कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है. ओबेसिटी इज द बिगेस्ट रिस्क वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर कोरोना डेथ. दूसरा जिसकी भी जो बीमारी है चाहे वो डायबिटीज है अस्थमा उसको कंट्रोल में रखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें अल्कोहल को कम कर दें रेगुलर एक्सरसाइज करें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. सरकारों को वैक्सीनेशन बढ़ानी चाहिए.